झारखंड की समस्याओं से हम वाकिफ हैं, लेकिन पिछले दो वर्षों से जब से झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, पूरे प्रदेश में विकास का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। हम लोग भी परेशान हैं, रोज हल्ला करते हैं, रोज सरकार को गाली देते हैं, लेकिन कुछ अभी अंतर नहीं पड़ रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए, पूरे झारखंड में पहले पुल वगैरह खूब बनता था, आप सब लोगों ने देखा होगा, खूब बना भी है, लेकिन पिछले दो साल से प्रत्येक विधानसभा में, मैं धनवारी नहीं बात कर रहा हूँ, एक पुल बन रहा है, वो भी क्या है, 3 करोड़ से कम का लागत की। अब विधानसभा तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, पूरे झारखंड में 81 विधानसभा है तो 81 पुल बन रहा है, वो भी तय है कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। सड़क में सरकार ने कहा कि 6 करोड़ रुपया में आप या तो मरम्मत के लिए अनुशंसा करिए या फिर नई सड़क बनाइए। 6 करोड़ में कितना सड़क बनेगी, कितना मरम्मत हो, पूरे राज्य में जो बनी हुई सड़कें थी वो भी गड्ढा हो गया है, नया बन नहीं रहा है। बन भी रहा है जो आपको बताया ना, जो छोटा मोटा जो 6-7 किलोमीटर सड़कें बनेगी वही बन रहा है। तो आज वास्तव में पूरे राज्य में ये समस्या है। पानी की भी वही हालत है, भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में लोगों को शुद्ध पानी मिले, उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री कहा कि आप पैसा ले जाइए और लगाइए, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है, यानी पूरी तरह से काम ठप पड़ा हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी काम हो ताकि लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो। बिजली की भी वही समस्या है, पहले बिजली जितना रहता था 2 साल पहले, आप बिजली बिल्कुल गायब हो गया है, कहीं 6 घंटा, कहीं 7 घंटा, कहीं 8 घंटा, कहीं 10 घंटा। पहले ट्रांसफार्मर जलता था तो लोग शिकायत करते थे, जो लग जाता था, अब तो 6-6 महीनों से नहीं लग रहा है, जला हुआ है, शिकायत पर शिकायत, बोलते रहिए, कुछ भी करिए, तो यह है संकट। लेकिन हमें उस संकट से घबराना नहीं है, हम सब लोग लड़ भिड़ करके जितना हो सकता है करेंगे, नहीं तो फिर सरकार को धक्का देना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है राज्य। तो ये आज दिक्कत है, और नहीं तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि पहले किस प्रकार से, हम तो काम करने वालों में से थे जी सर, हमें तो थोड़ा बहुत ही समय मिला था, उस समय सरकार बने थे, उस समय तो इतना पैसा भी प्रदेश में नहीं था, तब भी सड़क में काम हो रहा था, पुल में काम हो, सब जगह काम ही काम दिखता था, लेकिन आज काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ा आप सबको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, हम लोग लगे हुए हैं ताकि इस राज्य की जो समस्या है वो समाधान हो सके। बाकी तो कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आप सबको पता ही है क्या स्थिति है, कहीं भी आप सरकारी दफ्तरों में जाएंगे बिना पैसा से काम नहीं होता है, आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लेने वाला भी पैसा दे करके आया हुआ, ये हालत है राज्य। तो वास्तव में राज्य की स्थिति बहुत ही खराब है। पंचायत का चुनाव देखिए, इस समय झारखंड में सबसे अधिक गरीबी है देश में, सबसे अधिक बेरोजगारी, और ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 11% पैसा सरकार ने खर्च किया, जहां मनरेगा में लोगों को काम देना चाहिए था ताकि लोगों को रोजगार मिलता तो लोग बाहर नहीं भागते, लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है, सरकार को पहले कमीशन लेने की फिक्र में रहती है, पैसा पहले कहां से आओ। इसलिए चारों तरफ देखेंगे कोयला, लोहा, पत्थर, बालू, इसकी लूट मची होगी, मानी नदी में आप बालू बचेगी नहीं, ये हालत हो गई। हम लोगों के घर के आसपास सकरी नदी का बालू से हम लोग घर द्वार नहीं बनाते थे, लेकिन उस नदी का भी बालू आप बाहर जा रहा है, पूरे राज्य में ये हालत है। जहां शिकायत करो, आप शिकायत करेंगे, कोई कार्यकर्ता करता है, कोई भी गांव के लोग शिकायत करता है, उन्हीं के ऊपर उल्टा केस कर देता है। आज तो मैंने सवेरे अखबार में देखा था, कहां पर तो क्या बोलते हैं, पलामू बालू, हाँ पलामू का कोई पहाड़िया पहाड़िया करके कोई लड़का था, जो बालू रोकने के लिए गया था उसके ऊपर चढ़ा दिया और उनको मार दिया जा। तो आज जो रोक रहा है, जो बालू को बचाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, कल परसों हम गाँव गए हुए, एक व्यक्ति अपने घर बनाने के लिए बालू ले जा रहा था तो थाना वालों ने पकड़ लिया। अब संजोग से हम वहीं पर थे गाँव में ही,
तो फिर दरोगा को डांटे उठे तो छोड़ दिया, लेकिन कितना दर डांटिएगा वो तो केस कर देता है, ले जाता है। तो ये हालत है आज इस राज्य में, तो संकट है, कठिनाई है, लेकिन थोड़ा आप सबको धैर्य रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से जब अंधेरा है तो फिर सवेरा जरूर होगा। बहुत